नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सपने में घायल मोड़ देखता है तो यह सपना व्यक्ति को किस बात का संकेत देता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप अपने किसी सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की कोशिश करेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार वैसे तो स्वप्न में मोर का दिखना एक अच्छा फल देने वाला सपना माना जाता है। यह सपना व्यक्ति की किसी मनोकामना के पूरा होने का, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के बढ़ने का और व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होने का संकेत देता है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में मोर को घायल अवस्था में देखता है तो यह सपना तब अच्छा फल देने वाला सपना नहीं होता। सपने में घायल मोर का दिखना आपको इस बात के लिए सतर्क करता है कि आप आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, वरना आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने शारीरिक और अपने मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करें। इसके साथ ही यह सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके शत्रु या आपका बुरा सोचने वाले लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अभी से उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार सपने में घायल मोर का दिखना आपको आने वाले भविष्य के लिए सावधान करता है। इस सपने के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करे। ऐसा करने से प्रभु कृपा से इस सपने के दुष्प्रभाव कम होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।